दोस्तों अगर व्हाट्सएप यूजर हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए व्हाट्सएप के काफी सारे यूजर्स ऐसे थे जो नॉर्मल यूजर हैं, उनको जो है नेविगेशन बार का अपडेट नहीं मिला था, मतलब उनको नेविगेशन बार ऊपर की साइड देखने के लिए मिलता था बट बॉटम में नहीं दिखाई देता था। बट अब जो है अपडेट आ चुका है, अब आपको नेविगेशन बार जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसको ये अपडेट इरिटेट कर रहा है, मतलब वो चाहते हैं उनका जो नेविगेशन बार है वो ऊपर ही रहे, नीचे से रिमूव हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, अगर आप भी उनमें से एक हो, आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वीडियो होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने बिना स्किप किए, वीडियो बहुत ही छोटी एंड सिंपल होगी। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन। देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका था इसलिए सेकंड नंबर पे शो हो रहा होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर मैं फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर दूंगा। फिर देखिए जैसे ही आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ओल्ड वर्जन आ जाएंगे, तो आपको जनवरी का डाउनलोड कर लेना है। अभी देखिए फरवरी चल रहा है, तो देखिए यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जनवरी का आपको दिखाई दे जाएगा। जनवरी का आप कोई सा भी कर सकते हो। देखिए डाउनलोड करने के बाद जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है व्हाट्सअप, उसका बैकअप लेके इसे अनइंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपने डाउनलोड किया है उसे इंस्टॉल कर लेना है, और आपका जो अपडेट है, ये जो अपडेट आया नेविगेशन बार का, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा 100%। बट देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो है ओल्ड वर्जन के चक्कर में मत पड़ो। देखिए आप जो है ओल्ड वर्जन तो डाउनलोड कर लोगे और इसे ऊपर भी ले आओगे नेविगेशन बार को, बट देखिए कुछ दिनों बाद क्या होगा, देखिए 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हो सकता है या 1 महीने बाद व्हाट्सअप दोबारा से अपडेट मांगेगा और आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सअप अपडेट नहीं करोगे तो आप अपना व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पाओगे। देखिए जैसे ही आप अपडेट करोगे दोबारा से तो आपको व्हाट्सअप का नेविगेशन बार दोबारा से नीचे देखने के लिए ही मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप चाहते हो मतलब इसे ऊपर लाना, तो देखिए ऊपर तो आप ला सकते हो केवल कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं ला सकते। तो अब मैं आपसे यही बोलूँगा आप जो है इसे नीचे ही रहने दो, ओल्ड वर्जन के चक्कर में मत पड़ो, आपको धीरे धीरे इसी की आदत हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। तो देखिए ये बस हुआ क्या है, जो सारी चीज़ें थी वो आपको नीचे देखने के लिए सो रही हैं, पहले ऊपर देखने के लिए मिलती थी बस। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप से रिलेटेड तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी है संकेत1666। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं सिटी रेस्क्यू को सलाह देता हूं।